हेमंत अत्री जी, आप देखिए कि राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया जाता है, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया जाता है, संजय सिंह को सस्पेंड किया जाता है, डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया जाता है। तो लग ऐसा रहा है कि अगर कोई भी विपक्ष का नेता अपनी बात रखेगा और अगर कुछ अग्रेसिव ढंग से शायद रख देगा या उस जगह पर चोट करेगा जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो, तो उसे सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो चाइनीज एजेंट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बोलते हैं, गद्दार तक उनको कह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना उनका सस्पेंशन होता है और ना उनको बोलते वक्त रोका जाता है। तो आपको नहीं लग रहा कि पार्लियामेंट में भी जो कुछ हो रहा है, बार बार अमित शाह और प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं देश देख रहा है, तो देश तो सब कुछ देख रहा है, तो देश ये भी देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें स्क्रीन से हटाया जा रहा है, उनके भाषण को एक्सपंज किया जा रहा है, उनके माइक्स को ऑफ किया जा रहा है, उनकी स्पीच में 19-19 कट्स लगाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी जो पूरी कीर्तन मंडली है, उनको सवालों से सख्त नफरत है। वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें सवाल पूछना वर्जित है। ये पूरे 9.25 साल के शासनकाल में एक बात स्थापित की। दूसरा, जो इसका जो टेक्निकल रीजंस जाएंगे आप उसके अंदर, तो सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री जी मोनोलॉग के चैंपियन है। मोनोलॉग का मतलब एक तरफा संवाद, जहां कोई दूसरा बोलेगा बीच में तो उनको वो पसंद नहीं है। और यही कारण है कि पिछले 20 तारीख से लेकर के आज जब संसद समाप्त हुआ है, बीच में कितना कामकाज हुआ और किस तरह का कामकाज हुआ। मुझे केवल एक सवाल का जवाब बताइए आप कि जब इतने सोम्बर इशू पर, मणिपुर एक हमारे देश का ऐसा हिस्सा है जो सेंसिटिव है, बॉर्डर स्टेट है, वो जल रहा है और उसकी हालत 100 दिन हो गए आज, उसकी स्थिति काबू में नहीं आ रही है, उसके ऊपर विपक्ष को मजबूर होकर, चूंकि प्रधानमंत्री ने अपना मुंह नहीं खोला, संसद में सुओ मोटो बयान नहीं दिया, रिक्वेस्ट के बावजूद भी नहीं दिया, तो उसके ऊपर विपक्ष को मजबूर होकर के प्रधानमंत्री को जबरन संसद में लाना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। ये सच बात है। तो ये जो अवसर था, ये कितना सोम्बर अवसर था, कितने शालीनता का अवसर था, कितना सौम्यता की बात थी इसमें, कितना गंभीर था, और इसमें प्रधानमंत्री के चेहरे पर कितनी विनम्रता का भाव होना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू था। और प्रधानमंत्री जब कल बोलने के लिए खड़े हुए और उनका जो 132 मिनट का आप भाषण देखेंगे, कोई भी समझदार व्यक्ति उसको प्रधानमंत्री का भाषण कह ही नहीं सकता। वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कट्टर प्रचारक होते हैं, उसके भाषण के अलावा कुछ नहीं था। उसके अंदर ना कोई मेरिट थी, उसके अंदर क्या था? इतने संवेदनशील मसले पर संसद के अंदर हंसी ठिठोली हो रही थी, उसके ऊपर आप तंज कस रहे थे, चूहलबाजी कर रहे थे, घटिया छीटाकशी कर रहे थे, बड़बोलापन कर रहे थे, और टू दैट एक्सटेंट आपने अपने नैरेटिव के अंदर, जो कि आपका एक तरफा नैरेटिव है, उसमें वायुसेना को भी घसीट लिया और सेना को भी घसीट लिया। क्या ये एक प्रधानमंत्री का स्तर होता है इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर? और कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी को बोलने का अवसर नहीं दिया। बोलने का अवसर तो अविश्वास प्रस्ताव पर राजनाथ सिंह भी बैठे हुए थे वहां पर, उस पर उनको भी नहीं दिया गया बोलने का अवसर। तो नितिन गडकरी आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया। तो आपका जो ये सिलेक्टिव जो सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें इनको भी देश देख रहा है। मेरा दूसरा सवाल बुशरा जी ये है कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव रखा, ये गौरव गोगोई ने क्यों रखा? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनको सारे मसले की समझ है और वो उस नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में तीन शब्द कहे, तीन सवाल कहे। उन्होंने पहला कहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए, क्या ये सवाल गैरवाजिब है? दूसरा, उन्होंने कहा कि धारा 356 लगा करके सरकार मणिपुर की बर्खास्त क्यों नहीं की, क्योंकि इट हैज मेजरेबली फेल्ड। और तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर 77 दिन तक चुप क्यों रहे। ये तीन वाजिब सवाल थे। प्रधानमंत्री जी ने 132 मिनट तक तकरीर की, क्या इन तीनों में से किसी एक सवाल का जवाब मिला देश को? देश तो ये नहीं देख रहा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी बातचीत का जो स्तर लेके गए हैं, जितना नीचे स्तर लेके चले गए, मतलब मेरी सियासत के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, मुझे ना परंपराओं की चिंता है, ना मर्यादा की चिंता है, ना मुझे अपने पद की गरिमा की चिंता है, मुझे केवल वही कहना है जो मुझे पॉलिटिकली सूट करता है। संसद के अंदर जिस तरीके से कल उनके आगमन पर मोदी मोदी के नारे से, कल कोई कोई सेलिब्रेशन का अवसर था क्या? कल पूरी भारतीय जनता पार्टी के
आत्ममंथन का दिन था कि उन्होंने मणिपुर को कहां ला करके खड़ा कर दिया। उनके गृह मंत्री कहते हैं कि हम उस मुख्यमंत्री को इसलिए बर्खास्त नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारी सारी बातें मान रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां जो हथियारों में पर लूटे गए उसमें आपकी भी सहमति है? वहां पर 6 लाख गोलियां लूटी गई, क्या उसमें भी आपकी सहमति है? और अगर ये लैंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है तो फिर क्या होता है? मणिपुर को आप तुलना कर रहे हैं देश के, मैं कहता हूं 47 से लेकर के आज तक इतनी भयावह स्थिति इस देश के किसी हिस्से में नहीं हुई, चाहे वो कश्मीर हो चाहे पंजाब का आतंकवाद हो। कहां पर हथियार लूटे गए बताइए मुझे, इस तरीके इतने बड़े पैमाने पर, और केंद्र सरकार चुप है और रादर उस मुख्यमंत्री को शाबाशी दे रहे हैं। ये वही मॉडल है जो गुजरात के अंदर सक्सेसफुली लागू किया गया था पार्शियली। और वहां पर अगर आपको एक याद हो बुशरा जी, तो प्रधानमंत्री का एक बड़ा फेमस इंटरव्यू है, तब उनसे पूछा गया था कि जी आप गुजरात के अंदर और क्या बेहतर कर सकते थे, कहां चूक रह गई? तो प्रधानमंत्री जी ने उसी तरीके से जो उनका टिपिकल अंदाज है, उन्होंने एक जवाब दिया था, आपको याद होगा, बड़ा फेमस इंटरव्यू है, कि अगर मैं कुछ समझ पाता तो ये कि मीडिया को और बेहतर हैंडल किया जा सकता था। और इन 9.25 सालों में उन्होंने इस मीडिया को ही बंदी बना के दिखाया है, इस पूरे देश के मीडिया को जो फोर्थ पिलर था उसको उन्होंने ना केवल बंदी बना लिया है बल्कि सरकार का आर्म बढ़ा लिया है। कल से आप जब से उन्होंने ये भाषण दिया है, क्या आपने किसी मुख्य धारा के टीवी चैनल और किसी अखबार, टेलीग्राफ को छोड़ दीजिए, एक चुनिंदा अखबार को छोड़ दीजिए, आज आप अखबारों की कवरेज देखिए, शर्म आती है पढ़ करके, कोई सवाल ही नहीं है। और एडिटोरियल्स के अंदर प्रधानमंत्री का यशोगान किया गया है। अगर मणिपुर पर भी इस देश का मीडिया सवाल नहीं पूछ सकता है तो हम कहां पहुंच गए मिश्रा जी? सवाल केवल देश की एकता और अखंडता का है, और आपने वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये अकेले मणिपुर का सवाल नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आप, मणिपुर से 2 सांसद आते हैं, क्या उनको अविश्वास, दोनों के दोनों एनडीए के समर्थक है, एक बीजेपी का है एक एनडीए का समर्थक है, क्या उनमें से किसी को एक शब्द बोलने दिया गया? ये इंटरनल डेमोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी की, ये अकाउंटेबिलिटी है। क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि उस देश उस प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ और वहां के मंत्री ये कह रहे हैं, वहां की गवर्नर ये कह रही है, वहां के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया और आप अपनी छाती पीट रहे हैं? अगर ये आपके लिए शान की बात है तो माफ कीजिएगा मोदी जी, मेरे लिए ये और पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि अगर आपका ये राष्ट्रवाद है तो ऐसे राष्ट्रवाद से तो हिंदुस्तान को भगवान बचाए। ये जो बड़बोलापन है ये चुनावी सभाओं में ठीक है आपके लिए, लेकिन संसद की मर्यादा गरिमा और परंपरा को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके की नारेबाजी आपने करवाई, जिस तरीके के शब्द, मुझे एक बात आई है, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था, भारत माता शब्द को एक्सपंज कर दिया गया है, और आप सोनिया गांधी और पूरे विपक्ष को चीन का एजेंट बता रहे हो, वो एक्सपंज नहीं हुआ? क्या संसदीय है क्या असंसदीय है? इस देश का संसदीय इतिहास मौजूदा दोनों सदनों की चेयर को भी बहुत ही गंभीरता के साथ उनके कामकाज का आकलन करेगा। उनको भी ये याद रखना होगा दोनों चेयर्स को कि वो किस रूप में याद किया जाना चाहेंगे खुद को। ये बहुत ही गंभीर दिशा में चला गया मामला और संसद की मर्यादा तार तार जी, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल। और यही वजह है कि विपक्ष के लीडर्स ने आज पार्लियामेंट